हे बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका पोकेमॉन लास्ट फायर रेड सीजन 2 के एक और एपिसोड में। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो लास्ट एपिसोड आपने देखा कि हमने मिस्ट्री को हराया और हमें मिला हमारा सेकंड जिम बैज जो कि था कास्केड बैज। और उसके बाद हमें दो पोकेमॉन्स और मिले, हमने डैन से पकड़ा था ग्राउलिट और रॉकरफ हमें मिला, बट अभी मैंने उनको टीम में नहीं रखा हुआ है। अभी मेरी टीम ओल्ड ही है जो है। तो होप आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा, बट अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और आज के एपिसोड में हमें फर्स्ट पहली चीज़ को मुझे इससे लड़ना है। यही चीज़ क्लियर करके हम देखें नेक्स्ट सिटी आज पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, नेक्स्ट टाउन। ओके गुड, एक हिट अजल टू लेवल 29, दैट्स ऑसम। ओके अब हमें आगे बढ़ना है, तो पहले मैं सोच रहा हूँ एक रिपेल छिड़क ही देना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे होंगे मेरे हिसाब से बस पोकेमॉन्स, क्योंकि वो भी सारे बस पोकेमॉन्स रहे हैं तो, और हमें नीड नहीं है बस पोकेमॉन्स की। There aren't many bugs out here. Okay. तो सारे तो बक्स ही घूमे हैं यार। इसके बाद स्क्वाडलिंग और वीका वोल्ट। तो सही पोकेमॉन चेंज कर लिए थे मैंने। लेट्स यूज फायर पंच एंड प्लक। ओके पैरालाइज भी सही है, बढ़िया है। फायर पंच ऑन वीका वोल्ट एंड प्लग ऑन, बस इंसा से थोड़ा फास्ट हो जाए कॉर्विस स्क्वायर तो सही रहेगा। कॉर्विस स्क्वायर ड्यू टू लेवल 34, दैट्स गुड। टाइम टू लर्न ड्रिल पैक, ओके। हटा पैक को हटा देते हैं। ये आज सुपर इफेक्टिव है, शिट। ओके दैट्स नॉट गुड। लेट्स फाइंड आउट प्रॉफिट हियर। वाटर फॉल से स्मैक डाउन। ओके अगेन वाइटल थ्रो, और यहाँ पे एक और भी स्क्वायर को भी खत्म करेगा। ब्लड स्विच इनटू ड्रैगन एयर, स्मैक डाउन, स्लैम। ड्रैगन एग्री टू लेवल 31, रिलाबूम टू 36, लेट्स गो। आई हैव नेवर सीन यू अराउंड, आर यू गुड? इसके बाद है क्रॉस मॉथ। ओके लेट्स यूज स्मैक डाउन। वन हिट क्यों होना चाहिए यार इससे। ओके ग्रेट, 180 था। एंड प्रोजेक्ट एग्री टू लेवल 34, वाटर टर्टल टू 34,
साइड में देख के आते हैं कुछ है नहीं है। ओके एंड एक पोकेमॉन पड़ा हुआ है हंटर और मिमिक्यू। उनके पास जेड मूव है और यहाँ पे देख मेरे हिसाब से तो फिर बोस्ट टाइप भी जेड मूव मिलेगा। तो पहले हंटर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ ज़्यादा ही वो दे दिया डैमेज दे दिया। अच्छा फ्रॉगेडियर के पास जो स्किल है उसके कारण ही हो रहा है। चलो तो कोई नहीं मैंने फ्रॉगेडियर की स्किल भी चेंज करनी है। ये हमें बर्बाद करके ही जाएगी। ड्रैगन रेज और वाटरपल शैडो स्नेक अगेन। एक फेरी घोस्ट टाइप पोकेमॉन ना क्या? ओके क्रिटिकल हिट दैट्स नॉट गुड। मिमिक्री का मुझे टाइप ही नहीं समझ आता ये कौन से टाइप की है। फेरी घोस्ट या डार्क घोस्ट डार्क फेरी वाटरियम जेड। ओके ओके तो यहाँ पे डबल बैटल है बट सबसे पहले यहाँ आइटम है। पहले हम आइटम उठा लेते हैं फ्लाइंग जेम और उसके बाद सुपर पोशन साथ रखे हुए हैं। पहले तो वाटर टोटल को दे देते हैं और उसके बाद रिवाइव एक रखा हुआ है तो हम एडल्ट प्रोवाइड कर देते हैं और हनी दे देते हैं एडल्ट को। ओ शिट मैं कुछ और करना चाह रहा था बट वो कुछ और गया। बेरी पाउच ऑरेंज बेरी क्या था और क्या था फायरियम जेड है इसको हम दे देते हैं एजल्फ को। और अभी जो हमें मिला वाटरियम जेड उसे हम दे देते हैं वॉट टोटल को। यस अच्छा तो वाट टोटल के पास मैसिव मेगा इवॉल्व वो क्रिस्टल रखा हुआ था। चलो ये भी अच्छा था बट यहाँ पे डबल बैटल होने वाला है तो मैं ओके एजल्फ और वाटर टोटल बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। नो तो लेट्स बैटल देम मी वेल ओके आई विल प्ले। हाँ यू वांट टू टॉक टू मी ग्लेम नाउ और कंफ्यूजन और बाइट। पहले ऐसे ही खत्म करते हैं। ओके दैट्स ऑसम।
दोनों अपनी हेल्थ बढ़ा ली। फ्लेम रैम को मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ये हमारे अटैक बहुत ज़्यादा फेल कर रही है, ऐसे मैंने कहा पहले फ्लेम रैम को हटा देते हैं उसके बाद इसको हराएंगे। ग्रैनवुल को मैं सोच रहा हूँ एक ही अटैक में हराना चाहिए हमें। हाँ लक्ष्य संपन्न ओवरड्राइव और बाइट, ये तो डैमेज ही नहीं दिया इसने उसको। फेरी टाइप कमजोर होते हैं यार फायर टाइप के खिलाफ। तो ये गेम मेरे को लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। ओके तो कैमरा कंफ्यूज हो गया है बस अपने आप को हिट कर रही है। ओके तो वार टावर मतलब इसे आसानी से ख़त्म कर नहीं, व्हाट द हेल, ये बात मेरे को समझ नहीं आई। टाइगर लीफ और वाटरफॉल को ऐसे मारा जा रहा है शायद कुछ हो जाए। ओके ग्रेट, वाटर टेंपरेचर टू लेवल 35। अभी इनके पास दो पोकेमॉन बचे हैं एनडीडी और हार्ड ईयर। तो हार्ड ईयर का इंटरमीडिएट हमें फील हो गया, यहाँ पे हम दोनों तरफ से कमज़ोर हैं। एनडीडी के पास एक बहुत अच्छा मूव है जिससे वो हमें पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। लेट्स सी इस वाली एनडीडी के पास वो मूव है या नहीं है। यहाँ पे तो हमने एनडीडी को हरा ही दिया है तो अब डरने की बात नहीं है। अरे लवम ड्यू टू लेवल 37 दैट्स ऑसम। ड्रैगन हेड टू 32। लेजर लीफ और बाइट सेम में। यहाँ पे हाइडियर को भी हमने हरा दिया है आसानी से। ओके चलिए अब आगे बढ़ा जाए और हम आ चुके हैं वर्मेलियन सिटी में। गेट तो बन रहे हैं। ओके वो एक ही गेट बनता। इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड फिशरमैन यू नीड द राइट मटेरियल एंड यू हैव द चॉइस चूज द राइट पोकीबॉल। Lure balls, okay. Thank you. I'm the fishing guru. I simply love fishing. I can't bear to go without. Yes. Okay, thank you. Old rod. I'm a relic collector. Think of me if you find one. Okay. I'm putting up a building on this plot of land. I own it all. My Pokemon is stamping the land to lay the foundation. Okay. Hello. Did you see the SSM moored in the harbor? We are careful about pollution here. We have heard Grimmer multiply in toxic sludges. Okay. Oh, ye fan club hai.
I just adore Marcel. It's so lovable. It's cool, it's cute. When I hug it, okay. Red card. इससे क्या होगा अब? My Pikachu is twice as cute as that one. The chairman is very vocal about Pokemon. I chair the Pokemon fan club. I raise more than 100 Pokemon. I'm very pussy when it comes to Pokemon. I surely am. So, did you come to visit to hear about my Pokemon? Good, then listen up. My favorite, Rapidash. It's cute, lovely, smart, plus amazing. You think so? Oh yes, it's stunning. Kindly love it. Hug it. Okay, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ. Bike voucher, thank you. यही चाहिए था मेरे को. थैंक यू. चलो भैया आप चले. इसका लेक्चर तो मतलब जरूरी नहीं था. बाइक का ऑप्शन नहीं देते हैं. ओके लेट्स बाय सम सुपर पोशंस. और क्या लेना था? रिपेल कितने हैं? रिपेल तो है. पैरालाइज हील समझ चाहिए. तीन हैं तो दो ले लेते हैं. और क्या चाहिए? रिवाइव ले लेते हैं. रिवाइव की ज़रूरत पड़ेगी इस गेम में बहुत ज़्यादा. अभी पांच ले लेते हैं. और तो कुछ नहीं चाहिए. ओके लेट्स टॉक टू दिस गाय. ये सारी बैरीज ही बेचता है हमेशा. नहीं मिला है ना वो एच एम काम लिखा है. मैं भूल जाता हूँ ये एच एम्स की लोकेशन. यार ये क्या हो रहा है? टीएम केस. क्योंकि एचएम मुझे नहीं मिला है तो मेरे को एचएम ढूंढना है पहले. क्या लेट्स सी वो यहाँ मिलेगा या कहाँ मिलेगा? व्हाट हुपा? अ हुपा हियर. वाओ आई थिंक इट विल अपीयर इन द मैप. Oh, hey Manoj, I'm sorry but last time I forgot to give you something you're going to need. 5 G-Max Factors. I gave you 5. Don't waste it because you can't find it or buy it. Only a legendary trainer will give you this item. Use this on your Pokemon if you want the Gigantamax form. Go have fun. Oh, thank you. Let's talk to him. Okay. One apricot. Thank you. Luminous moss. ये क्या है? अभी पैसे कम है छोड़ते हैं अभी. और अभी बिल पे जाके एक पोकेमॉन डिपॉजिट करना है मेरे को. ड्रैगन एयर को डिपॉजिट कर देते हैं. और इससे क्योंकि मेरे को बैटल करना था इसलिए. हेलो यंग ट्रेनर, आई एम अ गोस्ट टाइप एक्सपर्ट एंड माय नेम इज अली. हर्ड देयर आर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स हियर सो आई केम टू टेक अ लुक बट आई कुडंट फाइंड अ टैलेंटेड अपोनेंट. Do you mind if we okay. मेरे ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ मुझे ऐसा लग रहा है. Let's see. Nemechu और ठीक है. ओके हम इसमें डायनामिक्स कर सकते हैं. फायर टाइप में और I now shall unleash the power of Dynamax. Okay. तो इसने हमारे बॉडी स्क्वायर को कर्ज कर दिया है. और
ओह उसके बाद अब क्या है, वीक पॉलिसी एक्टिवेटेड। मैंने क्यों उस डिस्गाइज, ये एक अच्छा फैक्टर है मैंने क्यों कहा। ओके एक हिट नहीं, दैट्स नॉट गुड, क्योंकि हमारे पास फायर पोकेमॉन फायर मूव सिर्फ एक ही था स्टार्टिंग में, डेड मूव यूज करते ना चाहिए था। ओके लेट्स यूज रिला बूम देन। रेजर लीफ और जेल पैक कैसे लेने के लिए, इट्स नॉट अफेक्टिव बोथ पोकेमॉन। अब मेरे जो मैक्स फैंटम डार्क टाइप है तो इतना ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होना चाहिए, बट वन हिट ओके। वो स्टील टाइप पोकेमॉन है, स्टील एंड गोस्ट टाइप हॉनेट। लेट्स सी मेरा कोई पोकेमॉन पे असर तो मेरे हिसाब से नहीं करने वाला है। रज़ेल्फी था जो अच्छे से उसको लेट्स सी रेजर लीफ डायनामिक्स कर देते हैं और मैक्स ओवरग्रोथ यूज करते हैं। मैक्स डार्कनेस ये हॉर्नेट्स पे यूज करते हैं और वाटर पल्स यूज करते हैं इसके। फुल 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 ओके दैट्स कूल। यहाँ पे हम हॉर्नेट को हरा चुके हैं जो उसका डायनामिक्स पोकेमॉन था। लेट्स सी इसका दूसरा पोकेमॉन कौन सा है, लास्ट पोकेमॉन होगा शायद। अभी दो बुक नॉन और एक डस्कल और ओके मैक्स चार्टनर और वाटरफॉल। तो लास्ट पोकेमॉन इसका मिस्चीवियस है जिसपे मैक्स डार्कनेस हमारा सबसे अच्छा अटैक रहेगा, सब पे यही यूज किया है। मतलब ये समझे चार में और चार पोकेमॉन गए। डायनामैक्स अलग ही अच्छी चीज है यार बहुत। और यहाँ पे हमारा फ्रॉगेटी है लेवल 35 पे हो चुका है। ओह कूल, oh you really surprised me, this pokemon will be stronger with you, take pokemon this pokemon has a hidden ability and you must take advantage of this ability, oh charmander, oh great, oh mega stone bhi mil chuka hai hamare paas, so that's awesome. ek item lena bhul gaya hu, pehle main yahan se ek item le aaun। 10 फ्रेंड बॉल ओके, तो ये भी आज ही क्लियर कर देते हैं, फिर वर्मेलियम सिटी को कल ही एक्सप्लोर करेंगे। पहले हील कर लेते हैं, फिर अंदर देखते हैं हमें क्या कौन सा पोकेमॉन मिलता है अच्छा खासा। अंदर कोई अच्छा पोकेमॉन मिलना तो चाहिए मेरे हिसाब से, हालांकि मैंने चेक नहीं किया है।
लेट्स सी। यस शाइनी। यस रियोली आई थिंक यस अ शाइनी रियोली। वाओ इसे पकड़ना यार। लेट यू स्विप। ओ ओ आराम से आराम से आराम से। दैट लाइज ओके। फ्रेंड बॉल ले ले। लेट्स सी इसे यूज करके देखते हैं। ओके ओके फाइनली वी गॉट आवरसेल्फ अ रियोलू। वाओ That's pretty cool. ये हमारा फ्यूचर पार्टनर बन सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं गाइस। होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे होम।